आजकल कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि मोदी की गारंटी में इतनी ताकत क्यों है। अब ये कुछ नया लाए हैं हमारे बाबा रणछोड़ दास। मोदी की गारंटी में इतनी ताकत इसलिए है क्योंकि मोदी जो कहता है वो करने के लिए जीवन खपा देता है। कैसे? Can you explain? Dad, ये explain बहुत अच्छा करते हैं। अभी डेमो देंगे। और ये ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर, बातों में नहीं, ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर मैं कह रहा हूं, मैं देश को ये भी विश्वास दिलाऊंगा कि तीसरे टर्म में। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तीसरे टर्म में दुनिया की पहली तीन इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। एक बार वंस मोर प्लीज। तीसरे टर्म में पहली तीन इकोनॉमी में गर्व के साथ हिंदुस्तान खड़ा होगा दोस्तों। रुको जरा, सबर करो। इंडियाबॉट्स.com के को-फाउंडर विशाल गोयनका ने बताया है कि अभी देश पर कुल कर्ज करीब करीब 205 लाख करोड़ रुपए है। 31 मार्च 2014 तक हर भारतीय पर करीब 43,124 रुपए का कर्ज था, जो 31 मार्च 2023 तक बढ़कर 109,373 रुपए हो गया है। मनमोहन सिंह सरकार के वक्त 31 मार्च 2014 को भारत पर कुल कर्ज 56 लाख करोड़ रुपए का था, जबकि मोदी सरकार के कार्यकाल में मार्च 2023 से दिसंबर 2023 के बीच ही 56 लाख करोड़ रुपए का कर्ज बढ़ गया है और अब ये कुल मिलाकर 205 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? जब तक जियो मौज करो, जियो, जब तक जियो मौज करो, चिंता किस बात की, कर्ज करो और जी पियो। तुम्हें शर्म है कुछ? कुछ शर्म आया है? नहीं। म्यूजिक।